नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए फरखाबाद से ये खबर। गंगा जमुना तहजीब के लिए प्रसिद्ध है, उसी गंगा जमुनी तहजीब को जीवित रखने के लिए हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर गणेश पूजा करते हैं। जहां देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के लिए खतरा बने रहते हैं, वहीं अपर काशी कहे जाने वाले फरखाबाद में हिंदू मुस्लिम की एकता एक नजीर पेश कर रही है। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम की ये एकता प्रदेश के लोगों के लिए सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब व भाईचारा की एक मिसाल बन रही है। दरअसल फरखाबाद शहर में हिंदू और मुसलमान समाज के लोग मिलकर गणेश पूजा कर रहे हैं और एक साथ मिलकर विघ्नहर्ता को उल्लास और उमंग के साथ भक्तों ने विदाई। इससे पूरे प्रदेश में आपसी भाईचारे का संदेश जा रहा है। गणपति बप्पा की पूजा अर्चना और भक्ति में 10 दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। गणेश चतुर्थी को बप्पा पंडालों और घरों में पधारे थे, भक्तों ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनंत चौदस पर भगवान गणपति महाराज की मूर्ति विसर्जन के लिए उनके भक्तों ने रंग गुलाल के साथ नगर के मेन बाजार में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली और नम आंखों से भगवान गणेश को विसर्जन के लिए लेकर जाया गया, जहां पर नगर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और श्रद्धालुओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी को श्रद्धालु उल्लास के साथ बप्पा को घरों एवं पांडालों में लेकर आए थे। विधि विधान के साथ उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया था। काफी घरों और पांडालों से 5, 7 और 9 दिन बाद गणपति को विदाई दी गई। बप्पा को विदा करने की घड़ी आई तो हिंदू मुस्लिम भक्तों की एक साथ श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। हालांकि श्रद्धा भाव से लबालब भक्तों ने उल्लास के साथ विदाई दी। हिंदू मुस्लिम भक्तों ने शोभा यात्रा निकालकर डीजे ढोल बैंड बाजे पर नाचते और अबीर गुलाल उड़ाते हुए पांचाल घाट तक वह पहुंचे। यहां की खास बात यह भी है कि जब हिंदू पूजा करते हैं तो मुसलमान समुदाय के लोग बज रहे अपने साउंड बनकर उसमें शामिल हो जाते हैं। विसर्जन के दौरान कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण भी किया जाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की एकता की मिसाल दी जा सकती है। जी हाँ, विसर्जन के दौरान कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण किया जाता है जैसा कि बताया, और जब मूर्ति को विसर्जित किया जाता है तब 2 घंटे तक पूजा की जाती है। पूजा कमेटी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि जब तक मूर्ति पूजा पंडाल में रहती है तब तक वे हिंदुओं की तरह ही उसकी पूजा करते हैं। ये मुस्लिम समुदाय के लोग एक खास संदेश दे रहे हैं, एकता की मिसाल इस गांव में अभी भी जिंदा है। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। आज जो यात्रा निकाली गई इसका क्या संदेश है? इसका हम सब मिल के यात्रा निकाली और सब भाई पूरे हिंदुस्तान में मिलजुल के रहे और एकता से यात्रा निकली। अमेठी जजीत से पूरे प्रदेश में मालूम हुए, पूरे हिंदुस्तान में मिलजुल के अपने त्यौहार मनाए सुकून से। हाँ दादा, मैं आपका मोहम्मद तस्दीक खान। आज जो गणेश यात्रा में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसका क्या उद्देश्य रहा आज? इसका उद्देश्य ये रहा है साहब, हम लोग गंगा जमुना तहजीब चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसका पैगाम जाना चाहिए कि हाँ, हिंदू मुस्लिम कोई चीज़ नहीं है, हम लोग चाहते हैं भाईचारा और यही एकता बनी रहे। और ये पैगाम जाना चाहिए हर देश के लिए, हर घर के अंदर, क्यों जिस तरीके से हम लोग ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी भाईचारे से, अगर उस टाइम अगर हम लोग बढ़ जाते तो दूसरा फ़ायदा उठा जाता। मैं नहीं चाहता मेरे यहाँ से कोई फ़ायदा उठा के जाए। मेरा नाम उफेद है। जो आपने आज यात्रा में सम्मिलित हैं इसकी क्या उद्देश्य है आज? इसका असली उद्देश्य यह है कि आज देश में तमाम जगह हिंदू मुस्लिम ऐसी बातें होती रहती हैं जिनसे अप्रिय घटनाएं होती हैं, तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि चाहे गणेश यात्रा हो या होली हो या दिवाली हो या ईद हो, हम लोग सब आपस में इंसानी तौर पर भाई भाई हैं और हम सबको मिलकर इसका सहयोग करना चाहिए। और जो भी इसके शरारती तत्व होते हैं, जो इन व्यवधान पैदा करते हैं, उनके खिलाफ हमें सबको मिलकर खड़े होना चाहिए। और इसलिए ये गांव से हमने पहली बार
हम लोग सब मुसलमान लोग मिलके यात्रा इसलिए और निकलवाई ताकि इसका संदेश पूरे देश में जाए और लोग एक सौहार्द को इसको अपनाएं, हर जगह हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म हो और इंसानियत के तौर पर हम सब हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं और हम सबको एक दूसरे से गले मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के त्यौहारों में शरीक होना चाहिए। इसकी शुरुआत हमने इसीलिए आज की है क्योंकि हम गांव के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सबको लेकर साथ में चलें। कभी उस जिस जगह